हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईआर एजुकेशनल हब। आज से हम लोगों का फिजिक्स का सेशन स्टार्ट हो रहा है नीट 2021 एंड नीट 2022 के लिए, और साथ ही ये बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो आज जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ वर्क, ये आप सभी को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो वर्क जो है वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट आर, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू एफ आर कॉस थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जूल होता है। तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट है पॉजिटिव वर्क। इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कॉस थीटा शुड बी पॉजिटिव। इसके लिए थीटा शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड स्मॉलर दैन 90 डिग्री। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में थीटा 0 डिग्री है, तो इसमें वर्क डन इज़ पॉजिटिव। इस केस में भी थीटा इज स्मॉलर दैन 90 डिग्री, तो वर्क डन इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट इज नेगेटिव वर्क। इसके कंडीशन होंगे कॉस थीटा शुड बी नेगेटिव एंड थीटा शुड बी ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड स्मॉलर दैन और इक्वल टू 180 डिग्री। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है और डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पर फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम लोग वर्क डन बाई फोर्स देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, बट अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन देखेंगे तो ये नेगेटिव है। नेक्स्ट इज ज़ीरो वर्क। इसके कंडीशन होंगे कॉस थीटा शुड बी 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस फिगर में फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पर नॉर्मल फोर्स और mg वो हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय mg ये होगा 0। अब इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में एक फोर्स अप्लाई किया गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ब्लॉक टू ब्लॉक वन को जो फ्रिक्शन देगा वो हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ब्लॉक टू पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक, और फिर ब्लॉक वन ब्लॉक टू को एक फ्रिक्शन देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये लोग हमेशा एक दूसरे के फोर्स को अपोज करते हैं। तो ब्लॉक वन पे फोर्स लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ब्लॉक टू ब्लॉक वन के फोर्स को अपोज करेगा, इसलिए ये फ्रिक्शन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में दिया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ब्लॉक टू, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड है फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ब्लॉक वन नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज ऑलवेज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास होता है। फोर्स था 10 एंड मास था 2 kg, तो इसका एक्सेलरेशन निकल गया 5 m/s² एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ½ at² हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 5 × 4² ये हो जाएगा 40 m। हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है 40 m। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये है 40, तो हमारा वर्क डन आया 400 जूल। उसके बाद हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले उसमें हम लोगों को टेंशन निकालना होगा। टेंशन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 2m1 m2 g बाई m1 plus m2। तो ये हो जाएगा 2 into 4 into 2 बाई 3 into g। ये हो जाएगा 80/3 newton। ये टेंशन आया। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m2 minus m1 by m1 plus m2 into g, 4 minus 2 by 4 plus 2 into 10। ये हो जाएगा 10/3 meter per second square। हमारा टेंशन आया 80/3 एंड एक्सेलरेशन है 10/3। अब इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, s इक्वल्स टू 1/2 80 स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 1/2 into 10/3 to 3 square, ये 15 meter। अब वर्क डन बाय 4g इक्वल्स टू 40 into 15 cos 0 degree। 40 force है, mg force, 15 displacement है और दोनों के बीच का जो थीटा है वो 0 degree है। तो ये हो जाएगा 600 newton। वैसे हम लोग वर्क डन बाय 2g निकाल सकते हैं सेम प्रोसेस से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इस केस में फोर्स इक्वल्स टू 2x³, ये क्वेश्चन में गिवन है। dr इक्वल्स टू dx हम लोग ले रहे हैं एंड वर्क डन इक्वल्स टू f.dx, ये आप लोग जानते होंगे। सो नेक्स्ट इज 2x³, ये फोर्स है, डॉट dx, ये हम लोग को इंटीग्रेट करना है। लिमिट है 1 से 2, 2x, ये हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ये हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वी इक्वल्स टू बी अंडर रूट एक्स, ये रिलेशन दिया था। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स, इसको यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। बी अंडर रूट एक्स, ये है वेलोसिटी का वैल्यू, डॉट डी वी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा बी इंटू 1/2√x इक्वल्स टू b² / 2। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा mb² / 2। और ये एक कांस्टेंट है, तो वर्क डन इक्वल्स टू mb, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x2 minus x1 इक्वल्स टू 2b minus b इक्वल्स टू b। ये हम लोग यहाँ पे पुट करके ये वर्क डन निकाल लिए mb। तो आज के लिए बस इतना ही।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।